हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं जो वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूं वो है इमरान रियाज खान की पावर ब्रेकडाउन हिट्स पाकिस्तान, हु इज रिस्पॉन्सिबल। इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रेलिवेंट साबित करने की कोशिश कर रही है, यानी ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, इससे एस्टेब्लिशमेंट ये बताना चाहती है कि आज भी पाकिस्तान के तमाम फैसले वही करेगी। वो एतमाद खोना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो अशराफिया है, जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट है, उन सबको इस बात का यकीन रहे कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए फैसलों के मुताबिक चलेगा। और यही साबित करने के लिए वो हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, जैसा कि कराची के अंदर भी इलेक्शन हुआ है बल्दियाती, यानी जिस शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलसे के लिए बंदे नहीं मिलते, वो बसों में भर के इंटीरियर सिंध से, यानी अंदरून सिंध से लेकर आते हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारी सीटें जीत गई, हैरत है वैसे। और अभी मोहसिन नकवी की जो निगरान वज़ीर आला के तौर पे तैनाती, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ैसला है। और जो दोनों नाम दिए पीडीएम ने, बड़े मुतनाज़े नाम थे, पीडीएम के अपने जो सहाफ़ी हैं, उनके करीबी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये फ़ैसला गलत हुआ है। ज़्यादातर लोगों को अब पसंद नहीं है, अब समझ आ रही है सबको कि ये एक्चुअली नाइंसाफ़ी का भी एक लेवल होता है, ये उससे ज़्यादा बड़ी हुई बात उनको दिखाई दे रही है। पाकिस्तान चलाने वालों ने पाकिस्तान की हालत ये कर दी है कि इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ये हम जनरेटर ऑन करके, बिजली पैदा करके, तो उसमें ये लाइटें चला के आपके साथ मैं मुखातिब हूँ। और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकडाउन है, जिसके पास पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई है। यकम जनवरी को ख्वाजा आसिफ ने कहा था एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हमें बड़े पैसे बचाने पड़ेंगे, टैक्सेस मुश्किल फैसले, पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे थे। तो उसके बाद पूरा मुल्क जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, हमने देखा अचानक। और ये सूरत हाल जनवरी में उन्होंने कहा, अभी शुरू में चंद दिन हुए और अभी ये कार्रवाई हो भी गई। ब्रेकडाउन हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके बारे में सोर्सेज मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 10:30-11 घंटे हो गए हैं कि पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही, और अभी भी कहा जा रहा है कि 8-10 घंटे मजीद लग जाएंगे सारा सिस्टम बहाल होने में। देखिए, ये टेक्निकल फॉल्ट है, वो किसी के दौर में भी आ सकता है, इमरान खान के दौर में भी आ सकता है, नवाज शरीफ के दौर में भी आ सकता है, अभी ये पीडीएम के दौर में भी आ सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो किसी के दौर में भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, डिक्टेटरशिप में भी आ सकता है। लेकिन ये जो और खबरें आ रही हैं ये बहुत अजीब हैं, और वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे मुल्क की बिजली एकदम ऐसे बंद हो जाए। ये बिजली बंद हुई, उसके बाद इन्होंने बहाल करने की कोशिश की और फिर दोबारा से जो नेशनल आपका ग्रिड है, पूरा जो एक सिस्टम है, वो उसके ऊपर बोझ पड़ा। 6000 मेगावाट तक जैसे ही गया तो नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया और फिर पूरे मुल्क का जो मेन सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया, यानी मेन ट्रांसमिशन जो पूरे मुल्क की है उसको बंद किया गया, इसलिए कि कहीं पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो बिजली का निज़ाम तबाह ही ना हो जाए। ये है पाकिस्तान की कैपेसिटी कि अभी तक पाकिस्तान एटमी मुल्क है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और अभी तक खराबी तलाश नहीं कर पाया पाकिस्तान। गुज़िश्ता कुछ 10 घंटे गुजरने के बावजूद, 11 घंटे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान आया है उसके पीछे रीज़न क्या है। और अब 3 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है कि पता किया जाए कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे हुआ। जो वजीर साहब हैं कुरम दस्तगीर, वो आए और आकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई। बात तो वो ठीक है लेकिन वो बड़ी हौलनाक बात है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को ऑन करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है, जब आपने बिजली बनाने वाला सिस्टम ऑन करना हो तो आपको बिजली की ज़रूरत होती है और उस बिजली की दस्तयाबी के लिए कोशिश की जा रही है। यानी गाड़ी को आपने स्टार्ट करना हो तो आपको एक बैटरी छोटी सी गाड़ी में लगी होती है, आप सब मारते हैं तो वो बैटरी पावर देती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद गाड़ी अपनी एनर्जी खुद जनरेट करती है और चलती रहती है। वो जो छोटी बैटरी पावर देती है वो वाली पावर इनके पास नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और ये तमाम चीज़ें ज़्यादातर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के पास हैं, यानी सिविलियंस तो नाम के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो उसको जानते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, उनको पता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, 22 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया यहाँ पे बहते हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का इतना बड़ा
ब्रेक डाउन आया है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि हुआ ये है कि एक तो पाकिस्तान ने कभी भी तवज्जो नहीं दी अपने जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए। हमेशा कमेटियां बना देते हैं लेकिन अपग्रेडेशन नहीं होती, उसको बेहतर नहीं करते। पहली मरतबा बेहतरी के काम के ऊपर तवज्जो जब भी दी गई तो वो पहली मरतबा ही दी गई और फिर वो ख़त्म हो गई। तो एक तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बिजली अब बहुत महंगी बनती है। पाकिस्तान के पास उतनी मकदार में फ्यूल की दस्तियाबी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की किल्लत है। पाकिस्तान बाहर से जो है वो अरेंज नहीं कर पा रहा प्लांट्स को देने के लिए पेट्रोलियम और गैस, यानी अगर वो प्लांट्स को मुहैया करेगा तभी वो बिजली बनाएंगे ना, और वो बिजली बहुत महंगी बनती है और वो महंगी बिजली अफोर्ड भी पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो डॉलर्स हैं नहीं, बाहर से इम्पोर्ट कर नहीं पा रहे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जो किल्लत है उस किल्लत की वजह से ये बिजली की एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में बनी है। इन महीनों में आज तक पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता आया है कि जो पाकिस्तान के पन बिजली के मंसूबे हैं या हाइड्रल मंसूबे हैं, जब डैम से बिजली बनती है वहाँ डैम्स के अंदर पानी जमा किया गया होता है, मुश्किल तरीन हालात के अंदर उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए बचाया गया होता है, और आने वाले महीनों में पाकिस्तान को इस पानी की ज़रूरत पड़ेगी जब तक बारिशें नहीं हो जाती। तो पाकिस्तान इन महीनों में सर्दियों में डैम के पानी को बचा कर रखता है और उससे बिजली कभी पैदा नहीं करता। लेकिन अब मंगला से बिजली पैदा करने का फैसला किया गया है, मंगला से पैदावार शुरू की जा रही है। ये बता रहा है कि सिस्टम किस हद तक नाकस हो चुका है, नाकारा हो चुका है, और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह पाकिस्तान का सिस्टम भी पूरा का पूरा बैठा हुआ है। इसी माहौल में एक खबर और आती है, नौबत आ गई है, और खबर यह है बच्चे हुए रिसोर्स कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का मजीद इजाफा कर दिया, यानी ताजरों की मुश्किलात में इजाफा, कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा, सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा, और अभी टैक्सेस मजीद लगेंगे। ये उसी का हिस्सा है, यानी जो जो IMF कह रहा है उसी अंदाज से ये चल रहे हैं। अभी बिजली को लगभग कोई 50% के करीब मजीद महंगा किया जाएगा, पहले ही कई गुना महंगी की जा चुकी है बिजली, अभी मजीद महंगी बिजली की जाएगी, और उसके बाद फिर गैस की कीमत को भी दुगना करने का एक प्लान है कि उसको भी दुगना किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी मजीद लेवी लगाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की कौम को आने वाले दिनों में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और इसी माहौल में पाकिस्तान एक इंतखाबात की तरफ जाएगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तैनाती को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है, वो इसको नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी है कि नैब जदगान या जो प्ली बार्गेन कर लेते हैं नैब से, उनको सरकारी अहदे नहीं मिल सकते और वो अवामी अहदों के ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर आपने प्ली बार्गेन की है, नैब के साथ डील कर ली है, आपने उनको पैसा दे दिया है और ये तस्लीम कर लिया है कि आपने पैसा खाया था, आप अपना पैसा वापस लीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, तो ऐसा बंदा जो है वो सरकारी अहदों के लिए अहल नहीं रह सकता। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार करे, अपना बिजनेस करे, लेकिन वो सरकारी अहदे के ऊपर आकर बैठ गए हैं नैब से प्ली बार्गेन करने के बावजूद। तो ये कानूनी नुकता है जिसको उठाया जा सकता है अदालत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसको मुस्तरद किया है और इसके ऊपर जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो रद्द अमल भी देंगे आने वाले दिनों में, और अपने लोगों को तैयार भी करेंगे कि उनके एक दुश्मन को बनाया गया है वज़ीर आला पंजाब, और उस दुश्मन की मौजूदगी में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे। लगभग 2-2.5 लाख नौजवानों को इन्हें तैयार करना पड़ेगा पूरे पंजाब के अंदर, जो हर ज़िले के अंदर मौजूद रहें, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद रहें, और वो इंतखाबात के अंदर धांधली को रोकने की तमाम कोशिशें करें। अब मामला नकीबुल्ला महसूद साहब का भी मैं जिक्र कर दूँ। नकीबुल्ला महसूद मरहूम, इसको शहीद कर दिया गया था कराची के अंदर दीगर कुछ लोगों के साथ, और उस वक्त राहुल अनवार ने कहा था कि ये तालिबान है और मैंने तालिबान को मारा है। राव अनवार जो है वो उसके ऊपर इसका मुकदमा भी बना था और ये मामला आगे भी चला था, लेकिन अदालत में 5 साल केस चलने के बाद आज राव अनवार भी बाइज्जत बरी हो गए। राव अनवार को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, और जो बाकी लोग भी इसके अंदर शरीके जुर्म पुलिस वाले करार पाए थे वो सारे के सारे बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो इस्तदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था, और इसकी समाअत मुकम्मल होने में 5 साल लगे थे। रावनवार कौन है? रावनवार जो है वो एक आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत लाडला शख्स है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बहुत लाडला शख्स है, और ये पुलिस मुकाबलों का माहिर है। कराची के अंदर इस शख्स ने बहुत सारे पुलिस मुकाबले किए हैं और बड़े ज़बरदस्त पुलिस मुकाबले किए हैं,
और क्रिमिनल्स को भी मारा है और ऐसे लोगों को भी मुबैना तौर पर मारा है जो मासूम थे, जैसा कि ये नकीबुल्ला महसूद वाला मामला था, ये जुनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, मॉडल था नकीबुल्ला महसूद, ये कराची में रहते थे, इनकी बेटियाँ भी हैं और इनके वालिद जो है वो इस केस के मुद्दई थे, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो गया इंसाफ तलाश करते करते, और आज इंसाफ ये हुआ कि जितने लोगों ने मारा था वो सब के सब जो हैं वो बाइज्जत बरी हो गए। साबिक एसएसपी राव अनवार और उनके करीबन दो दर्जन मातहतों के खिलाफ 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्ला और दीगर तीन अफराद को तालिबान अस्करियत पसंद करार देकर जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अच्छा, अब ये मुकदमा दर्ज होने के बाद केस चलता रहा, साबित तो नहीं होता, और फिर उसके बाद यानी वो तो कह रहे थे कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, हालांकि तरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और बाद में ये साबित भी हो गया था कि कोई ताल्लुक नहीं है। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के बारे में ये कहा जाता है कि नकीबुल्ला महसूद के ताल्लुकात कराची के कुछ बड़े पोश और तगड़े लोगों के साथ हो गए थे, और वहाँ पे इसके कुछ इस किस्म के ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात को छुपाने के लिए इस शख्स को मुबैना तौर पर कत्ल करवाया गया था। इसकी कहानी क्या है मैं डिग आउट करके आपको बताऊँगा आने वाले वक्त में, लेकिन अभी यहाँ पर इसको रोक लेते हैं और बात करते हैं पी टी एम की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो इस शख्स के कत्ल के बाद बनी थी और उसका यह दावा था कि वो इंसाफ दिलाएगी, लेकिन आपने देखा कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब होने वाले एमएनएज आसिफ अली जरदारी के पीछे खड़े होते हैं हर जगह पे, और जिनका ये अच्छा बच्चा था राव अनवार, और अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वही राव अनवार जो उनका पपेट है और उसके ऊपर पीटीएम की आपको अब आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, खामोशी आपको सुनाई देगी, वो जमात जो इस आदमी के कत्ल के बाद वजूद में आई थी और उन्होंने बहुत सारे पश्तूनों को इकट्ठा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इनके इस केस को भूल गई है और इस केस से उन्होंने अपने आप को ऐसा लगता है कि दूर कर लिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 44 लोग बाकी बचे हैं और उन्होंने असेंबली से इस्तीफे वापस लेने का फ़ैसला किया है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेना है, और अब ये पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के अपने चंद लोग उनको एतमाद का वोट नहीं देना चाह रहे, जिनकी तादाद लगभग 10 के करीब बन जाएगी सारी जमातों के मिला के, और एमक्यूएम वगैरह को भी मिला लेंगे तो ये सारे तकरीबन 10-12 इतने लोग बन जाएंगे, और अगर इतने लोग मुबैना तौर पे जो मुझे इतला मिली है अभी तक, और ये कन्फर्म नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त बीच में आ जाए तो गेम उलट भी जाती है, तो अगर वो लोग शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालते तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और फारिग हो जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐवान के अंदर तो बहुत सारे अराकीन ही नहीं है, यानी 80 बंदे तो वैसे ही फारग हैं, ऐवान खाली है, तो ऐसे ऐवान के अंदर क्या दोबारा कायदे ऐवान को चुनने के लिए इंतखाब होगा या फिर पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा आईनी सवाल पैदा हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए राजा रियाज का अपोजिशन लीडर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इमरान खान साहब ने जब इस्तीफा दिया और वो बाहर चले गए कौमी असम्बली से, तो टेक्निकली हुआ क्या था, ये 20 के करीब लोग असम्बली में रुक गए, इन्होंने एक पार्लिमानी अपनी पार्टी बना ली और एक पार्लिमानी लीडर तब्दील कर दिया, अपना पार्लिमानी लीडर बना लिया, और वो जो पार्लिमानी लीडर बनाया जो गैर आइनी है वो नहीं हो सकता था, लेकिन बना लिया उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर बना के, और उससे एक पार्लिमानी पार्टी बना दी, और वो जो 20 लोग हैं उन्होंने एक अपोजिशन लीडर भी बना दिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी अपना एक बना लिया। इस तरीके से वो शहबाज शरीफ के साथ मामला तय करते चले गए। ये है मामला। अब दो चीज़ों में ये शहबाज शरीफ के काम आ सकते हैं, एक जब निगरान हुकूमत बनाई जाएगी तो राजा रियाज और शहबाज शरीफ बैठ कर फैसला कर लेंगे और इमरान खान का उसमें कुछ लेना देना नहीं होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शहबाज शरीफ जब एतमाद का वोट लेने के लिए जाएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके 10-12-15 लोग कम हैं और वो फारिग होने वाले हैं, तो राजा रियाज ये जो पार्टी है ये अपनी पार्लिमानी पार्टी इस बात को अलाउ करेगी कि चल के वोट दे देते हैं शहबाज शरीफ। अच्छा, और फिर ये शहबाज शरीफ को वोट दे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी कह चुकी होगी, पार्लिमानी लीडर कह चुका होगा, लिहाजा उसके मुताबिक इनको वोट देने पड़ेंगे, जब ये वोट देंगे तो फिर ये ना अहल नहीं होंगे, ना ये डी सीट होंगे, और इनका वोट भी काउंट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब उनका अपोजिशन लीडर वहां पे हो और पार्लिमानी लीडर जो है वो मुनहरिफ अराकीन के अंदर से ना हो बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से हो, जो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं जो लोग, और अगर उनके अंदर से होगा और इमरान खान साहब कहेंगे कि चलो भी चल के अब एतमाद का वोट लीजिए, सदर पाकिस्तान कहते हैं शहबाज शरीफ को, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पार्लिमानी लीडर जो बनेगा नया, वो ये ऑर्डर करेगा
कि कोई शख्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देगा। जब वो ये हुक्म दे देगा तो फिर राजा रियाज वगैरह भी नहीं दे पाएंगे, और अगर वो देंगे तो ऑटोमेटिकली डीसीट हो जाएंगे और उनका वोट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में पहले ही फैसला कर चुकी है। तो ये वाला दूसरा एक टेक्निकल रीजन है, जिस रीजन को लेकर, यानी एतमाद का वोट लेना तो उसके लिए भी जरूरी है कि अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ का अपना बंदा हो, और निगरान हुकूमत के क्याम के लिए भी इमरान खान साहब को ये सपोर्ट चाहिए होगी। अब आप एक चीज़ पे गौर करें, थोड़े दिन पहले तक सारी की सारी पीडीएम चैलेंज करती थी और ये कहती थी कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करो और हम अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे। यानी हम खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की अब असम्बलियाँ तहलील करें और इस तरह सिंध की, बलूचिस्तान की और वफाकी हुकूमत हम तहलील कर देंगे और हम अगले दिन इलेक्शन की तरफ चले जाएँगे। सब चैलेंज करते थे और जब इमरान खान ने ये किया तो सब भाग गए। फिर थोड़े दिन पहले तक सारे कहते थे असेंबलियों में आओ बैठ के बात करते हैं, असेंबलियों में आओ और आईनी रोल प्ले करो, असेंबलियों में आओ और अपोजिशन संभालो। अब जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को असेंबली में भेजने का फैसला किया तो फौरी तौर पे भागना शुरू कर दिया। एक दफ़ा 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, दोबारा फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए और अब उन्होंने जाकर लिख कर दे दिया है। पहले तो वो स्पीकर के पास गए तो स्पीकर साहब मौजूद ही नहीं थे और उन्होंने वहाँ से छुट्टियाँ देके वहाँ से निकल लिए, तो ये वहाँ पे धरना देकर बैठ गए। उसके बाद ये गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, वहाँ जाके इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर देकर आए कि जनाब हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, हमने ईमेल भी कर दिए स्पीकर को, अगर वो हमारे इस्तीफे मंजूर भी करे तो आपने हमें डी नोटिफाई नहीं करना, हम अराकीन असम्बली रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं जाके वहाँ पे। अब बहुत सारे लोग इसको इमरान खान का एक बहुत बड़ा यू टर्न कह रहे हैं, और है भी, यानी इमरान खान साहब इस रास्ते पर जा रहे थे अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ठीक है, अपना जब टारगेट आपने अचीव करना होता है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ती है, कभी आप तेज़ खेलते हैं कभी आप स्लो खेलते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीरे आज़म तस्लीम करना इसके मुतरादिफ था कि आप उस जगह पर जाके उनके अंडर में बैठ के वहाँ पर काम करते हैं असम्बली में, इमरान खान साहब को ये लगा और वो एक हाई पिच पर चले गए। लेकिन अब जब उन्हें नज़र आ रहा है कि बहुत अहम फैसले होने वाले हैं और यहाँ पे उनकी मुदाखलत ज़रूरी है तो वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बंदों को वहाँ भेज रहे हैं, तो दूसरी चीज़ ज़रूरी है ये है। अब देखना ये है कि निज़ाम कहाँ तक मुदाखलत करता है, देखना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मजीद कितने अपने मसल्स शो करती है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए रेलिवेंट रहना इस वक्त एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं और खौफ सिर्फ इस बात का है कि अगर आवाम ने अपनी मर्ज़ी कर ली और अपनी मर्ज़ी से फैसला कर लिया तो कहीं इस मुल्क के लोगों को, इशराफिया को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और ख़ास तौर पे अवाम को इस बात की आदत ही ना पड़ जाए कि फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। ये वक्त आएगा इंशाल्लाह। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। भी पूरी दुनिया में टेक्निकल फॉल्ट जो है बिजली से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी फील्ड में कभी भी हो सकता है, किसी की भी हुकूमत में हो सकता है, किसी की भी गवर्नमेंट में हो सकता है। ये नहीं कह सकते आप कि इस गवर्नमेंट में ऐसा हो गया, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि पहले जो चीज़ों को नज़र डालकर देख लेते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा जब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिजली जा सकती है, पूरे पाकिस्तान की बिजली गायब हो सकती है, तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। अब वो काम नहीं किया, जब पता था तब भी नहीं किया, तो ये गलती तो माननी पड़ेगी है जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं की और इस गवर्नमेंट में हुई, जबकि पता था कि ये सब कुछ बैठ जाएगा, लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारे जो फीडर्स जो होते हैं जो बिजली देते हैं पूरी कंट्री को, तो वो पूरा सिस्टम बंद करना पड़ेगा। तो वैसा कुछ सिस्टम हुआ है, अभी मुझे नहीं पता, आइए नहीं आइए का लाइट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने सुना था कोई कह रहा है 27 घंटे, कोई कह रहा है 48 घंटे, अभी इन्होंने बताया कि 15-20 घंटे, तो मुझे नहीं पता कितने टाइम लगेगा। रकीबुल्ला की बात की थी मैंने, एक वीडियो की थी उनके ऊपर, आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं उनका रिलेशन था किसी के साथ, तो उसके चलते उनको करवा दिया गया था। उसके ऊपर बड़े अफसोस की बात है यार कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी उनको मारने वाले रिहा हो गए बाइज़्ज़त। क्या है ये, क्या क्या सिस्टम है? किसी को सज़ा मिलेगी? आपको कोई मार कर चले जाए, क्या गारंटी है उसको सज़ा मिलेगी? कानून आपका साथ देगा या आपकी फैमिली का साथ देगा? नहीं हो सकता भाई, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर इतना बिगड़ गया है माहौल, बिगड़ गया है पूरा।
पैसे के दम पर। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।